अब रुख करते अगली खबर का। मध्य प्रदेश विकलांग बल के पदाधिकारियों ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान विकलांग बल के राज्य सचिव सौरभ बघेल, आसिफ खान, संभाग उपाध्यक्ष राजीव बघेल और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल रहे। पदाधिकारियों का कहना है कि भिंड जिले में विकलांग बंधुओं की कोई विशेष भर्ती नहीं हुई है। हमारे शिक्षित साथी जो MEd, BEd और MSc और चार चार विषयों में मास्टर डिग्री हासिल किए हुए हैं, वह बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और घर पर लाचार और बेकार बैठे हुए हैं। उनको जीवन यापन करने में बहुत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूनिक ID कार्ड से वो वंचित है। गांव के सरपंच और सचिव के द्वारा विकलांग बंधुओं को दी जाए जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। मैंने भिंड जिले कलेक्टर साहब को दो सूत्री मांग के रूप में ज्ञापन दिया। पहला हमारी जो मांग थी कि अभी तक बहुत वर्ष बीत रहे हैं कि भिंड जिले में निःशक्तजन भर्ती का आयोजन नहीं हुआ है, तो मेरा भिंड के DM साहब से अनुरोध है कि भिंड में भी एक विशेष भर्ती विकलांग बंधुओं के लिए की जाए जिसमें निःशक्तजन भर्ती जिसको कहते हैं। और दूसरा हमारा जो ज्ञापन था उसमें एक बड़ी समस्या आ रही है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के विकलांग बंधु हैं उनको विकलांग प्रमाण पत्र और यूनिक ID कार्ड नहीं बन रहे हैं, तो मेरा जो दूसरी मांग थी कि प्रत्येक